काफिर जिंदा है। यूपी के हादसा विखे साडे एक बहुजन समाज की बेटी मनीषा वाल्मीक नाल कुछ जाति के चार ठाकरा वालों गैर मनुखी वतीरा करने बाद उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी जीभ कट दी गई और 15 दिन यूपी की सरकार ने गल छुपा के रखी। जो उन्होंने पहुँच तो बाहर हो गई तो उन्होंने दिल्ली लिया गया जिथे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और इसके विरोध में जिथे पूरा भारत सड़क पर है उस लड़ी तहत अब अंबेडकर सेना मूल निवासी पूरा बहुजन समाज सड़क पर है और उस तो बाद जो योगी सरकार ने गलत हरकत की उन्होंने जख्मों से लूण छिड़किया उस लड़की का रात को संस्कार कर दिया गया जो एक गैर घिनौनी हरकत है इंसानियत को शर्मशार करती है उसका असं पुरजोर विरोध करते हैं और प्रशासन तो सरकार तो एक मंग करते हैं कि ये जो कोर्ट स्पैशल ट्रायल चला के उन्होंने फांसी की सज़ा दी जाए और ये जे उन्होंने फांसी नहीं होंगी तो आने वाले समय के बहुजन समाज जिन्नी भी जथेबंदियां वो भारत बंद और पंजाब बंद दी मिल के कॉल देवेगा। सो असी सारे बेनती मनीषा हम शर्मिंदा है, ये कातिल जिंदा है। बैंड मनीषा हम शर्म